सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी RD 350 का रिव्यू, क्या क्या इस बाइक में लगा है, क्या क्या इसकी परफॉर्मेंस है और क्या वो रीजंस थे जिस वजह से इस बाइक को इंडिया में बैन करना पड़ा था। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, स्टार्ट करते हैं अपनी बाइक को। सो जैसे कि आप इसका लुक देख सकते हैं, इसमें मैक्सिमम चीज़ें राउंड शेप में है, जैसे कि इसकी हेडलाइट्स, इंडिकेटर, मीटर, काफ़ी मतलब सर्कुलर शेप का ज़्यादा फोकस किया हुआ है। क्या पता यही उस टाइम ट्रेंड चलता हो। सो कैसा लगता है आपको टू स्ट्रोक का साउंड, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ से सीधा चलते हैं पहले मेन रोड पे। हम आ चुके हैं इस वक्त मेन रोड पे। तो बात करते हैं अगर इसके इंजन की, तो इसमें आता है इनलाइन टू सिलेंडर का 350 cc इंजन, जिसमें कि दो मॉडल आते थे, एक LT लो टॉर्क वेरिएंट, एक आता था ST हाई टॉर्क वेरिएंट। तो ये जो हमारे पास इस वक्त गाड़ी है, ये है जैपनीज़ वेरिएंट, जो CPU यूनिट होते हैं, कंप्यूट बिल्ट यूनिट, जापान से सीधा आते हैं जो। तो ये हाई टॉर्क वाला जैपनीज़ वेरिएंट है, जिसका कि BHP अराउंड 39 है इस टाइम पर। इंडिया में उस टाइम पर लोअर फ्यूल क्वालिटी की वजह से और फ्यूल एफिशिएंसी पर ज़्यादा ध्यान होने की वजह से कंपनी को इसको डीट्यून करना पड़ा था, तो जिसकी वजह से इसका लो टॉर्क वेरिएंट इंडिया में ज़्यादा सेल हुआ था, जिसका कि BHP अराउंड 30.5 के आसपास उसका BHP हुआ करता था। और जो गाड़ी इस वक्त हमारे पास है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ST वेरिएंट है और इसका कि पिस्टन का साइज़ भी इंक्रीज़ किया हुआ है, इसके सिलेंडर में भी काफ़ी काम हो रखा है और इसमें CDI इंस्टॉल है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिकली और ये मैकेनिकली काफ़ी ज़्यादा ट्यून करके इसकी पावर हमने बहुत बढ़ा रखी है। तो भले ही एवरेज थोड़ा सा कम देती है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये बहुत ही रॉकेट गाड़ी है। अब अगर बात की जाए कि इस गाड़ी को बैन क्यों किया गया था, तो इसको लेकर काफ़ी सारे मिथ्स हैं कि बहुत ज़्यादा पावर होने की वजह से या बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने की वजह से। हालांकि इसमें पावर ज़्यादा थी, एक्सीडेंट इस गाड़ी के बहुत हुए हैं उस टाइम पर। और ये भी कहा जाता है कि पुलिस इसको नहीं पकड़ पाती थी उस टाइम, रॉयल एनफील्ड चलाया करती थी पुलिस, तो कुछ चोर वगैरह इस पर बैठ कर चोरी करके बहुत तेज़ भाग जाया करते थे, जिसकी वजह से पुलिस नहीं पकड़ पाती थी उन्हें। तो ऐसे भी कुछ मिथ्स हैं, हालांकि ये सारी चीज़ें हुई हैं एक्चुअल में, पर इसको बंद करने का रीज़न ये नहीं है। इनफैक्ट RD से इसका नाम रेसिंग डेथ भी रख दिया था लोगों ने उस टाइम पर ना। पर जो एक्चुअल रीज़न है इसके बैन होने का, वो ये है कि एक तो इसकी लो फ्यूल इकोनॉमी, दूसरा इसकी हाई प्राइसेस, उस टाइम पर इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, 30,000 उस टाइम पर इसका प्राइस था। और यही रीज़न थे जिसकी वजह से इसकी सेल भी ज़्यादा नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा तरक्की नहीं मिल पाई और फिर इस गाड़ी को इंडियन मार्केट से अलविदा कहना पड़ा। पर लेकिन आज आप देखिए, आज इस गाड़ी की कितना क्रेज़ है मार्केट में, यंगस्टर्स भी इसको काफ़ी पसंद करते हैं आज भी, और ये ढूंढने से भी आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। बहुत ही हाई प्राइसेस पे ये गाड़ी सेकेंड हैंड में अवेलेबल होती है, कई कई लोग इसके 5-5 लाख, 6-6 लाख रुपये इसमें सिर्फ रिस्टोर करने में लगा दे रहे हैं। मुझे तो पर्सनली टू स्ट्रोक सी गाड़ियाँ बहुत पसंद है, चलाना भी, इनका साउंड भी। और आप लोग भी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आपने से किन किन को टू स्ट्रोक सी गाड़ियाँ पसंद है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, तब तक फिर आप अपना ख्याल रखना, स्टे ट्यून, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।